अभी मैं क्या करूँगा, ये जो बीम है, ये जो बीम था, इसी का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लूँगा और यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप लूँगा जिसका एरिया है डेल्टा ए, बराबर। ये डेल्टा ए न्यूट्रल एक्सिस से एट एन डिस्टेंस ऑफ वाई है, बराबर, एट एन डिस्टेंस ऑफ वाई है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा अभी जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर, ओके। तो y को मैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, y को मैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल्स टू ई बाय आर इंटू वाई, बराबर। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इस पर कितना फोर्स आ रहा है, तो अपना फोर्स का नॉर्मल, अपना स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, ओके, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने, डेल्टा एफ एलिमेंटल स्ट्रिप का फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया, सिग्मा इंटू डेल्टा ए। अभी मेरे पास सिग्मा की वैल्यू है ई बाय आर इंटू वाई, ये जो वैल्यू है ही मेरे पास, इंटू डेल्टा ए कर दूंगा मैं, बराबर। तो ये बन गई मेरी, ये बन गई मेरी एलिमेंटल स्ट्रिप की, एलिमेंटल स्ट्रिप का फोर्स कितना फोर्स लगेगा। अभी देखो, अभी मैं क्या करूँगा, इस पर मूवमेंट कितना लग रहा है, तो मूवमेंट का अपना फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, मेरा डेल्टा एफ फोर्स लग रहा है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस पे, तो वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा मेरा, बराबर। तो डेल्टा एफ की वैल्यू मैंने पहले ही डिराइव करके रखी है, ई बाय आर इंटू वाई ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डेल्टा ए इंटू वाई, बराबर। ये एक मेरा फॉर्मूला बन गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो ई बाय आर इंटू डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर, इंटू वाई स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे मैं, बराबर, वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई इंटू वाई, ओके। तो ये बन गया मेरा मोमेंट का। अभी ये क्या हो गया, ये एक नॉर्मल एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट है, मुझे क्या करना है, टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए मोमेंट निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मोमेंट को डिराइव कर दूंगा। तो डिराइव करने के बाद क्या आएगा मेरा, डिराइव कर दूंगा तो उसके बाद क्या आएगा, ई बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। तो ई आर कॉन्स्टेंट हो गया मेरा बाहर, डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। अगर आपने अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक था वहाँ पे ध्यान दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला जाना पहचाना है, ये फॉर्मूला जाना पहचाना है, डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर क्या आता है, एरिया इंटू वाई स्क्वायर, एरिया इंटू वाई स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है। तो ई बाय आर इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो एम इक्वल्स टू ई बाय आर, तो एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर, एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर, बट ई बाय आर इक्वल्स टू क्या है, ई बाय आर इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई है मेरा, ई बाय आर इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई है मेरा। तो एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई, ओके, समझ में आया ये वाला पार्ट, ओके। तो अभी सेक्शन मॉडुलस देखते हैं, वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल एंड होलो सर्कल का, ओके। तो सेक्शन मॉडुलस क्या रहता है, जेड एक्सेस या जेड वाई वाई, दोनों एक्सेस के लिए, एक्स एक्सेस के लिए भी, वाई एक्सेस के लिए भी। तो जेड एक्सेस का क्या फॉर्मूला रहता है, आई बाय वाई, मतलब आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई मतलब एक्सट्रीम फाइबर टू न्यूट्रल एक्सेस तक का डिस्टेंस, ओके। तो जेड एक्सेस रेक्टेंगल लेंगे तो उसका ये डिस्टेंस डी होगा, ये विड्थ होगा बी होगा, तो आपको यही पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाय 12। और वाई क्या रहेगा, एक्स का ले रहे, तो जहाँ से जिस साइड से एक्स एक्सिस पास होती है उसका हाफ कर देने का, तो किस साइड से पास होती है, डी से पास होती है, तो डी बाय टू कर देने का, कैंसिल कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो बी डी स्क्वायर बाय 6 आ गया जेड एक्सिस रेक्टेंगल का। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए करेंगे, जेड वाई वाई क्या आएगा, डी बी स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा यहाँ पे, डी बी स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा, ओके। ये हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा, सर्कल के लिए आएगा, सर्कल के लिए क्या आएगा, सर्कल का जेड एक्सिस और जेड वाई वाई सेम ही होगा, आई बाय वाई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का क्या रहता है, पाई बाय 64 डी रेस टू 4। और वाई क्या आएगा, एक्सट्रीम से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना आएगा, डी बाय 2, तो डी बाय 2 कर दिया, डिवाइड सॉल्व कर दिया, पाई बाय 32 डी क्यूब आ जाएगा। उसके बाद में होलो सर्कल के लिए कैसे करेंगे हम, होलो सर्कल के लिए क्या आता है, आई का वैल्यू, आई बाय वाई, आई का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाय 64 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4, बराबर। तो कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू पाई बाय 64 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय वाई का क्या आएगा, इसका भी तो बाय डी बाय टू आएगा। तो ये आप इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये 2 गया, 32 बचा, 32 बचा, फिर क्या आएगा, फिर क्या करेंगे, पाई बाय 32 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4, ओके। ये आ गया हमारा
सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला, सेक्शन मॉडुलस के फॉर्मूलाज, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो बीम लोडिंग रहता है, बीम लोडिंग के लिए मोमेंट के डायरेक्ट फॉर्मूले डिराइव किए, मतलब आपको SFD और BMD का पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना पड़ेगा, डायरेक्ट मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, ये अगर टाइप है आपके बीम का तो ये फॉर्मूला लगाओ, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा मोमेंट्स का। तो पहले एक नॉर्मल बीम है विद सेंटर लोडिंग, नॉर्मल बीम सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंटर लोडिंग का क्या फॉर्मूला आएगा, W मतलब कितना लोडिंग है, इनटू लेंथ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 4, इनटू लेंथ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 4, ओके। एक बीम है उस पे UDL है, उस पे UDL है और फोर्स लगाया है, UDL है तो UDL के केस में और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो क्या आएगा, W into L square divided by 8 आएगा। एक कैंटिलीवर बीम है विद एंड लोडिंग, विद एंड लोडिंग क्या फॉर्मूला आएगा इसका मोमेंट का, W into L मतलब क्या बीम का लेंथ आएगा, यहाँ पे L मतलब क्या बीम का लेंथ आएगा। लास्ट में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ UDL, विथ UDL, ओके, तो उसका क्या आएगा, W into L square by 2 मोमेंट का ये फॉर्मूला आएगा। तो यही बीम आपके सिलेबस में है, इतने टाइप्स के ही बीम आपके सिलेबस में है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करोगे तो आपको मोमेंट मिल जाएगा, ओके, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक एक न्यूमरिकल, एक एक टाइप के न्यूमरिकल देखते हैं, ओके।